कितने लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो इस वीडियो से बहुत कुछ अच्छा सीख कर ले जा सकते। आप सोच नहीं सकते कि एक इस ड्रिल से कितने सारे इंप्रूवमेंट्स हो सकते हैं आपके क्रिकेट में। सो हेलो क्रिकेटर्स, दिस इज उमंग सेठी एंड यू आर वाचिंग मॉडर्न डे क्रिकेट। तो क्रिकेटर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से हम घर पे रह के अपनी क्रिकेट इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि भाई प्रैक्टिस तो सिर्फ 3-4 ही दिन रहता है, बाकी तो घर पे ही रहते हैं ना हम लोग। तो आज का टॉपिक है हाउ टू प्रैक्टिस एट होम विदाउट अ पार्टनर। सबसे पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेट और दिल से बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि आप उन टॉप 5% क्रिकेटर्स में से हो जो एक्चुअली बहुत ही पैशनेट और डेडिकेटेड अपने क्रिकेट को लेके। क्योंकि अगर आप इतने पैशनेट और डेडिकेटेड नहीं होते तो आप इस वीडियो में कभी नहीं आते। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे ड्रिल बताऊंगा जिसमें आपका बैट स्विंग, आपका ड्राइव, आपका फुटवर्क और आपका फोकस, ये सारा चीज़ इम्प्रूव करेगा। और इन 5 ड्रिल्स को करने के लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत है। नंबर 1, एक क्रिकेट बैट। नंबर 2, एक बॉल। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप टेनिस बॉल लो या कोई सॉफ्ट बॉल लो, इस तरह से रबर बॉल, सो दैट भाई आप घर पे कर रहे हो यार, मम्मी से फ्लाइंग चप्पल थोड़ी रिसीव कर रहा है सामान वहाँ टूट गया तो। और जो थर्ड चीज़ है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका पैशन, जो कि ऑलरेडी है आपके पास, इसी वजह से आप इस वीडियो को देखने आए हो। तो चलो, ये 3 चीज़ें तो आ गई, अब ड्रिल को शुरू करते हैं। तो क्रिकेटर्स, जो फर्स्ट ड्रिल है उसमें आपको ऐसे 2 चेयर्स रख देने, दोनों ऑपोजिट साइड फेस करके रख देना, और बीच में जो गैप होगा ना वो आप समझ लो आपका बैट का डबल होगा, मतलब बैट इतना का है तो समझ लो 2 बार बैट को रख दो तो इतना गैप होना चाहिए, ठीक है। आप क्या करो, अब कि इस तरह से चेयर के पीछे खड़े हो जाओ और ईजिली अपना इस तरह से बैट स्विंग करो, ये इससे आपका बैट स्विंग इम्प्रूव होगा, जो स्ट्रेट डाउन स्विंग कहते हैं ना हम, ये परफेक्ट हो जाएगा इससे। इस तरह से आप स्ट्रेट डाउन स्विंग कर सकते हो, 50 टाइम्स 4 सेट कर सकते हो, मतलब अराउंड 200 डाउन स्विंग्स हो जाएंगे। हम इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं कि हम एक अपना फ्रंट फुट निकाल कर भी कर सकते हैं, लाइक ये मैंने फ्रंट फुट निकाल लिया एंड मैं इस तरह से कर रहा हूँ, देखो ये। तो क्रिकेटर, जो सेकेंड ड्रिल है वो आप वॉल के अगेंस्ट कर सकते हो। इमेजिन करो ये एक वॉल है, मेरे को कैमरा सेटअप चेंज करना पड़ता है, इस वजह से मैं यहीं पर आपको करके दिखा रहा हूँ मैं, कि आप ऐसे वॉल के एकदम सामने खड़े हो जाओ, ठीक है, दीवार के सामने खड़े हो जाओ, और आपके और दीवार के बीच में ना बस हैंडल भर का गैप होना चाहिए, इतना गैप है आपके सामने। अब क्या करना है, सेम डाउन स्विंग आपको इस तरह से करना है, ये सी परफेक्ट डाउन स्विंग, वही अगर आपके पास चेयर नहीं है तो ये भी कर सकते हो, ठीक है। पर इसमें एक चीज़ ये है कि देखना आप कहीं ज़्यादा ही अपने बॉडी से क्लोज मत कर देना, नहीं तो ये बैट आपके घुटने में लग सकता है, फिर आराम से एक हफ्ते का रेस्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा ध्यान रखना, इंजरी बहुत ख़राब चीज़ है भाई स्पोर्ट्स में। इसमें एक और आप वेरिएशन ऐड कर सकते हो, वेरिएशन ये कि आप यही सेम लेग निकाल दिए यहाँ पर ऐसे, ठीक है, अब ये स्ट्रेट डाउन स्विंग परफेक्ट। अगर वॉल पे आपका बैट लग रहा है या आपके नी में आपका बैट लग रहा है, मतलब समझ जाओ कि आपका जो डाउन स्विंग आ रहा है वो स्ट्रेट नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ है जिससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा कि आपका बैट स्विंग जो है वो स्ट्रेट आ रहा है कि नहीं। तो क्रिकेटर्स, हमारा जो थर्ड ड्रिल है उसमें आपको बैट और एक लेदर बॉल की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें हमें करना कुछ नहीं है, इसमें बस सिंपली हमें इस तरह से टैप करना है। इससे क्या होता है कि हमें एक प्रॉपर फील आ रहा है लेदर और वुड का, लेदर और वुड का एक प्रॉपर फील आ रहा है, क्योंकि आप घर में बैठे हो, घर में बैठकर आप नेट्स तो कर नहीं सकते, आप नॉकिंग कर नहीं सकते, पर ये चीज़ करने से ना आपको फील होता है कि बॉल आपके बैट में लग रहा है। जो फीलिंग आपको नेट्स में आती है ना, वो थोड़ा पूरा तो मैं नहीं कहूँगा, बट थोड़ा बहुत आप फील कर सकते हो इस तरह से। और अगर आप एक ओपनर बैट्समैन हो तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप न्यू बॉल से करो, क्योंकि न्यू बॉल में अलग एक पंच रहता है, एक हार्डनेस रहता है, वो आप फील कर सकते हो बैट में। पर अगर आप एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हो और आप तब जाते हो बैटिंग करने जब बॉल थोड़ा ओल्ड हो जाता है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ओल्ड बॉल से करो, ठीक है। इसमें एक और वेरिएशन है, वेरिएशन मतलब हम चैलेंज को बढ़ा सकते हैं। आप ये कर रहे हो राइट, ये इजी है। अब क्या करना है कि हम अपने एजेस पे भी कर सकते हैं, इससे क्या होगा ना कि आपका कंसंट्रेशन पावर इंप्रूव होगा, आप अच्छे से कंसंट्रेट कर पाओगे, क्योंकि इसका सरफेस बहुत छोटा है, इस सरफेस में आपको बॉल को जंप करवाना है तो ये थोड़ा चैलेंजिंग होता है। तो लेट्स ट्राई, देखो इस तरह से ये, ठीक है। तो आप जितना लंबा कर सको ये बहुत बेनिफिशियल है, बहुत कंसंट्रेशन चाहिए इसको करने के लिए, तो आप इसको अगर डेवलप करोगे तो बहुत हेल्प करेगा आपको बैटिंग में। ओके क्रिकेटर्स, तो अब हम आगे अपने 4th ड्रिल में। ये जो ड्रिल है ये आपको घर बैठे बैठे सहवाग या ऋषभ पंत बना सकता है, मतलब ये ड्रिल बेसिकली है हैंड आई कोऑर्डिनेशन के लिए। ओके, तो सबसे पहले 2 बॉल्स है मेरे पास, इन बॉल को हम करेंगे जगलिंग इस तरह से। ये अगर आप इनिशियल स्टेज पे हो तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन परफेक्ट बैठ रहा है, मतलब देखो आप देखकर बॉल कैच नहीं कर रहे हो, ठीक है,
आपका आपका जो नजर ये ऊपर है, आप बॉल्स को ऊपर देख रहे हो पर कैच अंदाजे पे कर रहे हो, नीचे देखो इस तरह से, है ना। मैं कैमरे की तरफ देख रहा हूँ पर अंदाजे से बॉल कैच कर रहा हूँ। इस चैलेंज को हम थोड़ा बढ़ा सकते हैं, वी कैन ऐड 3 बॉल्स। आई नो ये थोड़ा सा टफ होगा स्टार्टिंग फेज में, पर आप पहले 2 बॉल से मास्टरी कर लो, 2 बॉल से अगर होने लगे फिर आप 3rd बॉल पे जाओ। जैसे इस तरह से आपको इस तरह से एक ऊपर फेंकना है, ये आपको इस तरह से 3 बॉल्स जगलिंग करना है। इससे आपका कंसेंट्रेशन इंप्रूव करेगा, हैंड आई कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करेगा, मतलब आप सोच नहीं सकते कि एक इस ड्रिल से कितने सारे इंप्रूवमेंट्स हो सकते हैं आपके क्रिकेट में। तो इन ड्रिल्स को जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत इफेक्टिव है। सो क्रिकेटर्स, अब आते हैं अपने 5th ड्रिल पे। 5th ड्रिल पे आपको इस तरह से एक प्लेन बॉल के सामने खड़ा हो जाना है, आपको इस तरह से अपने बैटिंग स्टांस में आ जाना है और एक फेयर डिस्टेंस रखना है, ज़्यादा दूर भी नहीं ज़्यादा पास भी नहीं, कि इतना कि आप फ्रंट फुट निकाल सको और उसके बाद थोड़ा सा जगह बचे, ठीक है। स्टांस पे आ गए, अब वो रबर बॉल लेके या टेनिस बॉल लेके आपको बॉल के पास फेंकना है और वापस को कैच भी करना है, जैसे इस तरह से फेंकना है और फ्रंट फुट जाके कैच करना है, ठीक है। अब जो सेकंड रहेगा वो थोड़ा पीछे फेंक के ये बैक फुट में जाके कैच करना है। हमें ऑल्टरनेट करना है, पहले हम ऐसे फ्रंट फुट में फेंकना है, फिर इस तरह से कैच करना है, फिर ऊपर फेंकना है बैक फुट में, फिर फेंकना है फिर फ्रंट फुट में, फिर फेंकना है फिर बैक फुट में। इसे हमें ध्यान ये रखना है कि हमें कैच इस तरह से नहीं करना है, हमें कैच इस तरह से करना है, क्योंकि बैटिंग में भी हमारा हाथ इस तरह से ही रहता है कि ऐसे बैट करते हैं हम लोग, है ना। तो हमें कैच भी इस तरह से पकड़ना है, पर आप ध्यान रखना कि ये जब कैचिंग करो इसको अपने फील्डिंग में अप्लाई मत करना, नहीं तो फिर आपको गलत आदत लग जाएगी। आपको बस इस ड्रिल के लिए इस तरह से कैच पकड़ना है, देखो 1 2 1 2 1 2। जब फ्रंट फुट जाओगे आप, आपको अपने नी के आगे कैच पकड़ना है, और जब बैक फुट जाओगे आपको बॉडी के पास कैच पकड़ना है, ठीक है। इसका आप 50 फ्रंट फुट 50 बैक फुट कर सकते हो अल्टरनेट करके, जिसका आप 3-4 सेट कर लो परफेक्ट रहेगा। इस ड्रिल में आपका जजमेंट इंप्रूव होगा, इसमें आपका फुटवर्क इंप्रूव होगा, तो बहुत सारे बेनिफिट है इस ड्रिल के। ओके सो गाइस, ये थे टॉप 5 ड्रिल्स। इसके अलावा एक और ड्रिल है ड्राइव्स के लिए, जो कि जिसमें हम बॉल को यहाँ रखते हैं और इस तरह से ड्राइव मारते हैं, जो कि अभी आप देख सकते हो। सो क्रिकेटर्स, आपने जो ये ड्रिल देखा, इस ड्रिल में हो सकता है कि आपके पास घर पे नेट नहीं हो, जैसे आप ड्राइव मार रहे हो तो सामने कांच ही चीज़ें हो सकती है, बहुत सी चीज़ें हो सकती है, फर्नीचर हो सकता है। अगर आप घर पे कुछ तोड़ देते हो ना, तो मम्मी को मत बताना कि आपने कहाँ से सीखा ये वाला ड्रिल, ठीक है। अच्छा, जोक सब बात, आपको क्या करना है कि नेट की जगह ना सामने आप बेडशीट यूज़ कर सकते हो, ऊपर एक तार डाल दो, तार के ऊपर बेडशीट लगा दो, बेडशीट पे जब बॉल जाएगा ना तो वो जो शॉक होता है ना बेडशीट एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब नेट की जैसे ही काम करता है, तो वो यूज़फुल हो सकता है आपके लिए, ये ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा हैंगिंग बॉल है, बैटिंग टीम में ड्राइव आने वाला ड्रिल है, तो 3-4 ड्रिल और है। अगर आप चाहते हो कि उस पर भी मैं डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और साथ ही गाइस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना है आपको। अब से हम क्या कर रहे हैं ना कि एवरी मंथ के लास्ट संडे Q&A सेशन कर रहे हैं, जिसमें मैं आपके सारे कमेंट्स के आंसर करूंगा, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता ना कि हर कमेंट का रिप्लाई करके आंसर करना, तो एक वीडियो बनाकर हर कमेंट का, मतलब टॉप 10 कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा एवरी मंथ लास्ट संडे, ठीक है। तो आप ज़रूर से अपने सारे क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में डालो, और वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। इसी तरह के क्रिकेटिंग टिप्स ट्रिक्स एंड टेक्निक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, और साथ ही अपने फ्रेंड्स को बताओ इस चैनल के बारे में, सो दैट आपके साथ साथ वो भी इम्प्रूव करें अपना क्रिकेट। ओके गाइस, तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप वर्किंग हार्ड एंड बिलीव इन योरसेल्फ।